अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। टकराने के लिए ही सही और जुड़ेंगे। आप इन दोनों शादियों की तैयारी कीजिए। लेकिन किस्मत की लकीरों का टकराना अच्छी बात नहीं होती है राघव जी। आप रीत को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। हमारी किस्मतों का टकराना तो तय है, टकराएंगे पर टूटेंगे नहीं, जुड़े रहेंगे। मेरा वादा है आपसे। पूरी शान के साथ तुम हमारे घर दुल्हन बनकर आओगी। मैं चलती हूँ, शादी की तैयारियां शुरू करनी है ना। रुकिए आंटी, मैं किसी को बोल देता हूँ आपको घर तक ड्रॉप करने के लिए। भौमिक, आंटी जी को घर तक ड्रॉप कर दे। ठीक है भाई, आइए। सर, उन्होंने डील कैंसिल कर दी है, जो आपका वीडियो न्यूज में वायरल हो रहा है उस वजह से। अगर आप बोलो तो मैं उनसे वापस बात करता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं उनसे दोबारा बात करने की। सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन मांग कर प्रोजेक्ट नहीं लेता। बाजी, आपका भाई? बस मंदिर सभी वापस आए। पूनम ने बताया क्या हुआ है, लेकिन तेरा चेहरा देखकर लग रहा है कोई और बात है जो तुझे परेशान कर रही है। मुझे नहीं बताएगा? बाजी, मैंने रीत का वीडियो डिलीट करवा दिया था, पर पता नहीं किसी इन्वेस्टर ने उनका वीडियो कैसे देख लिया। और उनका कहना है कि वो किसी कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों से अपने ऑफिस या बिल्डिंग नहीं बनवाना चाहते। बेटियां शान होती हैं घर की, और बहू बनकर मान बन जाती है ससुराल का। लेकिन अफसोस, तेरी होने वाली पत्नी हमारे मान और शान को बढ़ाने के बजाय उसने हमारी बदनामी की, हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाया, और अभी तक तो उसके पांव भी नहीं पड़े हैं इस घर में। तुझे अभी भी यही लगता है कि तेरी जोड़ी जचेगी उस लड़की के साथ? राघव, ये जो रीत चौधरी नाम की लड़की है ना, वो तमाशा करने वाली ऐसी चिड़िया है जो हमारे इतने सालों से कमाई हुई दौलत को कुतर कर रख देगी। एक बार फिर से सोच ले बेटा, कहीं तेरी जिद हमारे घर की खुशियों को ग्रहण न लगा दे। उन्नति ध्रुव को अपना पति मान चुकी है, तो ना अब हम ये रिश्ता तोड़ सकते हैं, ना रीत और मेरे रिश्ते से मुंह मोड़ सकते हैं। राघव। पर बुआ जी, मैं आपको एक भरोसा जरूर दिला सकता हूं, ये फुदकती हुई चिड़िया रीत चौधरी के पर कैसे काटने हैं ये मैंने सोच लिया है। लोगों को लगता है कि चिड़िया पिंजरे में गाना गाती है, नहीं, एक्चुअली वो पिंजरे में रोती है। लेकिन बुआ जी, ये रीत चौधरी भले ही खुद को कुछ भी समझे, पर इस घर में वो सिर्फ मिसेस सूर्यवंशी की हैसियत से आएगी। यहां पर उसकी एक ही पहचान होगी, मिसेस सूर्यवंशी। ये डिजाइन्स अच्छे हैं। आप एक काम करिए, घर की कलर ग्रेडिंग के हिसाब से देख लीजिएगा जो डिजाइन अच्छा लगे। ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन। सिस्टर इन लॉ की डेकोरेशंस के डिजाइन देखना बंद कीजिए, अब बेबी के रूम्स के डिजाइन देखना स्टार्ट कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे घर में सबसे स्मॉल उन्नति की भी वेडिंग फिक्स हो गई है। कोई तो चाहिए ना न्यू स्मॉल फैमिली मेंबर इस हाउस में। और वैसे भी ये रीत रिपोर्टर बहुत स्मार्ट है, सबके सामने मत करा करो। ठीक है, रख लेती हूँ मैं फिंगर ऑन माय लिप्स।
पर आप वीरेन भैया से बातें करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके? मम्मी अब से फोन कर रहे हैं, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? अरे बेटा मैं फोन घर पे ही भूल गई थी ना, क्या हुआ तू इतनी परेशान क्यों है? परेशान नहीं होंगी तो क्या करूंगी, आप अकेले जो चले गए शैतान की गुफा में। अच्छा एक बात बताओ, बदतमीजी तो नहीं की उसने तुम्हारे साथ? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने कहा है कि मैं दोनों शादियों की तैयारियां करूं। क्या मम्मी, जैसे उसकी वीडियो वायरल हुई थी वो इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे मान सकता है? जरूर कुछ तो चल रहा है उसके शैतानी दिमाग में। बस कर रीत, तू रिपोर्टर है इसका मतलब ये नहीं कि हर बात पे शक किया जाए। मम्मी मैं उसे तुमसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो जितना बोलता नहीं है उससे ज्यादा अपने दिल में रखता है। अगर उसने दो कदम पीछे लिए ना, इसका मतलब वो बड़ी छलांग मारने वाला है अपने शिकार पे, और इस केस में उसकी शिकार मैं हूँ। तू उसकी होने वाली पत्नी है बस। मम्मी यार तुम क्यों इतना साइड ले रही हो सर फिरे का? रीत मम्मी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। यस सर। देखो रीत, मैंने बहुत कोशिश की पर। क्या बात है सर, क्या हुआ मीटिंग में? सीनियर मैनेजमेंट तुम्हें आपकी आवाज से निकालना चाहते हैं। पर सर मुझे क्यों? वो वीडियो लीक करने के पीछे तो केसरी जी का हाथ था ना, मैंने क्या किया है? सर आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरा साथ देंगे, एक वीडियो की वजह से मेरा करियर खराब नहीं होगा। हाँ रीत मैंने ऐसा कहा था, सच में इवन आई एम शॉक्ड मैनेजमेंट के इतने कड़े फैसले से। मैं अपने नोटिस पीरियड में इतना अच्छा काम करूंगी कि मुझे निकालने की जगह स्टार एम्प्लॉई ऑफ द मंथ का अवार्ड देंगे, आप देखना। विराज तुम मेरे डेस्क का सामान लेके क्यों आया है? सर ये सब क्या है? तुम प्रोबेशन पे हो, पक्की एम्प्लॉय बनी नहीं हुई इसलिए तुम्हें नोटिस पीरियड नहीं मिलेगा। तुम अभी से ही आपकी आवाज का हिस्सा नहीं है। रीत, तुम्हें अपना आईडी कार्ड भी रिटर्न करना होगा। आई एम रियली सॉरी। सॉरी पापा, मैंने सोचा था रिपोर्टर बनके आप पर लगा झूठा इल्जाम मिटा पाऊंगी, पर मैंने भी आपको बाकी सबकी तरह निराश कर दिया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।